नमस्ते दोस्तों, जयास किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी सब्जी की रेसिपी लाई हूँ जो कि घर पर आप इजी में आराम से फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं, और वो सब्जी है सेम टमाटर की सब्जी। तो आइए शुरू करते हैं, कैसे बनती है ये सेम टमाटर की सब्जी। दोस्तों, आज हम सेम टमाटर की सब्जी बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ईजी और टेस्टफुल होती है। तो सेम टमाटर की सब्जी बनाने के लिए दोस्तों मैंने 60 ग्राम नमकीन से भुजिया ली है। आप कोई भी बारीक भुजिया ले सकते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा कि भुजिया एकदम से सॉफ्ट नहीं हो। कड़क वाली भुजिया लेंगे तो आपकी सेव टमाटर की सब्जी बहुत ही अच्छी बनेगी। सेव टमाटर की सब्जी में हमें टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा लेनी है, तो मैंने यहाँ पर 4 बड़े टमाटर बारीक कटिंग कर लिए हैं, 2 हरी मिर्च कटिंग ली है, 2 प्याज बारीक कटिंग लिए हैं, और ये लहसुन और अदरक की पेस्ट मैंने बना ली है। उससे हमारा टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। मसालों में दोस्तों मैंने 1 चम्मच जीरा लिया है, 1 चम्मच नमक लिया है, आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिए, 1.5 चम्मच मैंने मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच मैंने हींग ली है, 1 चम्मच मैंने पीसा हुआ धनिया लिया है, 1/2 चम्मच मैंने राई ली है, और 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है। साथ ही मैंने बारीक कटा धनिया लिया है, जो आप चाहें तो सब्जी में डालें और चाहें तो गार्निशिंग में यूज़ करें। तो शुरू करते हैं सब्जी बनाना। दोस्तों, सब्जी बनाने के लिए हम 2 बड़े चम्मच तेल डाल रहे हैं, 200। तेल हमारा गरम हो चुका है, गैस हमें मीडियम से लो फ्लेम पर ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं करना है। तो पहले मैं इसके अंदर हींग डाल रही हूँ, साथ ही जीरा डाल दूंगी और राई भी डाल दूंगी। इसके साथ ही हम इसके अंदर अदरक और जो लहसुन की पेस्ट हमने बनाई थी वो हम डाल देंगे। इनको मिक्स करके साथ ही साथ हमें प्याज भी डालने हैं ताकि वो अच्छे से इसमें फ्राई हो जाए। प्याज को हमें 10 से 20 सेकंड तक फ्राई होने देना है। दोस्तों, प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो अब हम इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर देते हैं। तो धनिया पाउडर डाल रही हूँ, नमक, मिर्च पाउडर, हल्दी और गरम मसाला। सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और लो फ्लेम पर 10 से 20 सेकंड तक इन्हें भी पकने देते हैं। ये देखिए दोस्तों, मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो अब हम इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्च ऐड करेंगे। और अच्छे से इन्हें इस मसाले के अंदर मिक्स करेंगे। दोस्तों, थोड़ा आप ये ध्यान रखिएगा कि टमाटर हो सके जितना आप बारीक कटिंग करें, तो इसकी जब प्यूरी बनेगी तो सब्जी का टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों, अब हम इसके अंदर 1/2 कप पानी ऐड कर देते हैं और इसे 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर पकने के लिए छोड़ देते हैं। दोस्तों, 2 मिनट हो गए हैं, तो देखिए ग्रेवी हमारी अच्छे से पक रही है। अगर आप चाहें तो चम्मच से आप हल्का हल्का ऐसे टमाटर को थोड़ा मैश कर लीजिए, ताकि इसकी जो ग्रेवी है उसमें टमाटर की प्यूरी अच्छे से मिक्स हो जाए। पोटैटो मैशर हो तो आप उससे भी कर सकते हैं। इसमें मैं 1/2 कप जितना पानी और ऐड कर रही हूँ। इसे हम 1 मिनट तक और अच्छे से पकने देते हैं। ये देखिए दोस्तों,
सब्जी हमारी लगभग तैयार हो गई है, ग्रेवी भी अच्छे से पक गई है। ये देखिए तेल ऊपर आ चुका है, तो अब हम इसके अंदर सेवें ऐड कर देते हैं। और साथ ही साथ हरा धनिया डालकर गैस को बंद कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारी सेव टमाटर की सब्जी तैयार है। बस दोस्तों ये ध्यान रखिए कि ये सब्जी जब खाना हो उसी टाइम आप इंस्टेंटली इसमें सेवें मिक्स कीजिए। अगर आप पहले ही मिक्स करके इसे रख देंगे तो ये सारी ग्रेवी के अंदर मिक्स हो जाएगी। तो आप इसे सर्विंग बाउल में सर्व कीजिए और खाइए। तो देखिए दोस्तों हमने 5 मिनट में शाही सेव टमाटर की सब्जी तैयार कर ली है, जो कि खाने में तो बहुत ही टेस्टी है बट बनाने में बहुत ही ईजी है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, घर में सबको बहुत पसंद आएगी। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है दोस्तों, अपना कमेंट मुझे ज़रूर भेजें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।